वाह दिनेश पवार एक्स की देखो भाई एंट्री में नई गाड़ी ले आए क्या सर आप? बिल्कुल ये भाई नई नई टेम्पररी नंबर वो तो मोहित की है, मेरी है। अच्छा ये मोहित की है तेरी। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। बिल्कुल भैया इसको भी कह रहा 44 लगाते ना क्या देता अपना चाहिए मेरे को। ला 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 ला। तो भाई दिनेश पवार एक्स को सभी कांग्रेट्स लिखेंगे। फोर इज न्यू ब्रांड न्यू रिबन लगी और बिल्कुल नीली नीली रिबन लगे हुए गाड़ी पे। भाई देखो कितनी प्यारी लग रही है। पूजा करवा लिया आपने तो बताया भी नहीं हमको। बताया यार बिल्कुल क्या करूं मैं, मेरा मन में कर रहा था मैं बड़ी ले आऊं वो छोटी चला लेगा। तो इसका 44 नंबर रखूंगा उसका 43 है। बिल्कुल सर ओके। उसके लिए 20,000 रुपीज लगेंगे। ओनली 20,000 रुपीज। कितने लग जाए वो कोई दिक्कत तो नहीं। सर आपने जब गाड़ी ले ली है तो आप इस पे क्यों लेके जा रहे हो अपना सामान? ये बाइक पे उस पे लेके जाओ गाड़ी में। खेत का भी काम है और वहाँ का भी काम है। चलो ठीक है ओके सर ओके ओके। चलो भाई फिर मैं दिनेश की गाड़ी को जरा घुमा के लेके आता हूँ लिटिल लिटिल सा। आए कर मोटू सबसे आए कर दो गुड मॉर्निंग बोलो। भाई मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग जगता नहीं हूँ। ये तनिष की गाड़ी है एक्चुअली। ये तो लिटिल लिटिल हम फन कर रहे थे। दिनेश पवार एक्स तो अभी थोड़ा थोड़े दिन लगेंगे। अरे तू तो नया ट्रैक्टर ले आयो। ट्रैक्टर ले आयो नया। ट्रैक्टर भी लिया है गाड़ी भी लिया है। घर में क्या कर रहे हैं? हेलो भाई अरुण पवार इंटरव्यू भी अपने घर पे खड़ा हुआ है मॉम को मनाते हुए। मॉम जल्दी से मेरी पैकिंग करो। एक्चुअली भाई मेरा इंस्टेंट सब प्लान बन गया। कहीं यार मन नहीं लग रहा पहाड़ों पे घूमने चलते हैं। घने दिन हो गए जाड़े पड़ रहे हैं। मॉम फटाफट जल्दी कपड़ा रखो। सोटा उठा लूंगी तेरे लिए मान जा। भाई थोड़ा फ्रीक्वेंट हो रहा ना इसलिए यू अंडरस्टैंड। रख दो हम पे लत्ता नाम है। धन्य देखो कैसे फायदा उठाती हैं फिर ऐसे ऐसे कहती हैं। है डिटेल ये है कि पहाड़ पे जा रहे हैं अब ये तो हमें भी नहीं पता कि कहाँ। भाई कई जगह हैं कसोल बिरबिलिंग। मैंने तो नई नई धर्मशाला नई नई जगह मतलब इस बार कुछ नया ही चलेंगे ना। शिमला मनाली तो हम कई बार जा रखे हैं वहाँ नहीं जाना। कसोल वसोल देखते हैं कुछ नया या बिरबिलिंग। और एक जगह और बताई थी एक दोस्त ने जो लेके जा रहा है। मतलब मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके जा रहा मैं किसी के साथ जा रहा हूँ आज पहली बार मान लो ऐसे। हाँ किसी और गाड़ी में जाएंगे बड़ी गाड़ी में स्कॉर्पियो N में जाएंगे। और वो नहीं जिसकी डिलीवरी ली है उसमें तो बाद में। पर एक और है Z8 डीजल है ऑटोमेटिक है लेकिन मैनुअल है। तो फटाफट लत्ते रखवा लेता हूँ। 7:30 बज गए हैं। रात को अपना मस्त पहुँचेंगे सुबह मस्त इन्जॉय करेंगे। स्नोफॉल और मिल गई तो मजा आ जाएगा। और परफॉर्म मतलब 4x2 है इतना मुझे पता है। मोम जल्दी रख दो यार वो आ गए फार्म पे का नाम तो कच। अरे आप ना जानो यस है एक तो और दो छोरा और है तो जनवा दे ना। जनवा देंगे। चलो चलो आप मेरे बेस्ट मोम हो। चलो चलो जल्दी करो फास्ट रखो भाई आप हेरो आप आम लिकसरो रोका ना टोका डर ना शर्म ना बात को ना मान तो जल्दी रखो आप जल्दी जल्दी करो। मम्मी मैंने कह दी थी बाहर भागे भागे गए एकदम। हैवी जैकेट रखना मम्मी कोई हैवी जैकेट। हां ठंड लगे यार इनमें तो पापा मम्मी कहां आज मैं कहां जा रही हूं घूमने थोड़ी कम बोल ले का इस फोन पे ठीक है फोन आया। देखो मम्मी कितनी अच्छी है हमारी। देखो भाई तुरंत रखने लग गई हैं। देखो हैवी हैवी से रखना मॉम बहुत ठंड पड़ रही है। संजय को लगनी तो नहीं चाहिए। इतने भी मत रखो एवा बैग में आ जाए जो इतने रखो बस। कैसे गाड़ी जा रही है सामने गाड़ी जा रही है इतने ना मम्मी एक आध दिन कल परसों आ जाऊंगा बस। आज के शोर का ठेला नहीं है। ये देख रहे हो भाई सफेद रंग की लाइट। अच्छा सफेद ही गाड़ी है क्या कि ओके 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 ये आ गई भाई सनरूफ भी है इसके अंदर Z8 ही है। तो आगे मेरे फ्रेंड्स जल्द से पंजी निपटा के जाता हूँ। अरे दिनेश से हो गया इनका पहले इंट्रोडक्शन। देखो अदरीज पवार पकाएगा इनको लिटिल लिटिल देर। तो भाई देखो माय फ्रेंड्स आ गए हैं। मैं आपको फ्लिप कैमरा दिखाता हूँ। भाई पहले तो बताओ Z8 डीजल है ऑटोमेटिक है यू? भाई डीजल ऑटोमेटिक है। अच्छा ओके डीजल ऑटोमेटिक है ठीक है ओके। कहाँ चल रहे हैं ये तो कुछ है पता? भाई पहाड़ों पे। पहाड़ों पे अभी तो कुछ फाइनल नहीं है हमारा। चलो मैं ड्राइव करता हूँ थोड़ी देर देखते हैं भाई कैसी है जरा चलने में। फर्स्ट टाइम मतलब ऑटोमेटिक चला रखी है लेकिन Z8 है ये। आपको जिंदा। चलो ठीक है भाई
भाई ये तो भाई हैं दीपक भाटी, आप देखोगे इनको ठीक है फरीदाबाद से। इसका तो आपको पता ही है। एक और ये भाई का नाम क्या है? हिमांशु। ये चौहान भाई बहुत सही है भाई, तीनों फरीदाबाद के हो ना भाई तुम लोग? भाई ये फरीदाबाद के हमारे गुड फ्रेंड्स हैं, देखो कोटक की ये रखते हैं चेक बुक साथ। चलो जय हो जय हो भाई। पापा से इतना कुछ सुन के आया हूँ ठीक है। धुंध पड़ रही है, चल दिए पहाड़न में ये सब पढ़ने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं तो भाई अब भगा रहे हैं और रोड चढ़ गए केएमपी पे। यार ये ऑटोमेटिक क्या चीज है यार, कसम से ना तो गियर का पता चल रहा है कब चेंज हो रही है। पिकअप इतना बढ़िया ले रही है और ना वो फॉर्च्यूनर एक तरह मचाती जैसे एंडेवर वगैरह कुछ भी नहीं, जबकि है टॉर्क कन्वर्टर ही, लेकिन इतना प्यारा है यार मेरे को आज बड़ा रिग्रेट हो रहा है। और स्टेयरिंग जो हमारी में कांपता था और अजीब सा रिएक्ट करता था भाई, स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स देखो बस हल्का इतना सा प्ले है, इतनी सही है। मैं ऐसे कट मार रहा हूँ कोई बॉडी रोल नहीं कुछ नहीं, बहुत मजेदार यार। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इतना स्मूथ है इसका, बहुत ये बहुत बिग मिस्टेक थी पर चलो ठीक है यार। देखो सब विधि का विधान है, वो लिखा था भाई वो चेंज करनी है। मैनुअल तो बहुत घटिया है इसका, मैं प्रॉपर शब्द तो क्या यूज करूँ, पर बहुत वाहियात घटिया है। अब वाला सुधार दिया हुआ पर इसका ये जो ऑटो है भाई, टाइम देखो 9:45 हो गए हैं। अब रोटी टू खा लेते हैं जरा, एक ढाबा सा मिल गया हमको। मुड़तल में तो दुनिया भर के हैं यार, वीडियो फीडियो बनाओ ऐसे, ये हमने बना रखे गोवर्धन में, बढ़िया है भाई मजा आ रहा है। भाई अब हम पहुंच चुके हैं करनाल। करनाल को आपको पहचान पता कैसे हो जाती है? जब आपको साइड में मर्सिडीज ऑडी बॉडी दुनिया भर के शोरूम देखने लग जाए ना इस मेन हाईवे पे, समझ लेना आप करनाल पहुंच चुके हो। पानीपत तो पुल से निकल जाता है भाई। अब बस ये रात के 12 और हम पहुंच गए हैं। पहुंच गए भाई ये शाहबाद हरियाणा है, मतलब हरियाणा ही है भाई। 90.04 यार ये हमारे वहाँ महंगो 1 रुपया, मतलब हम भी हरियाणा में ही रहे हैं पर यहाँ महंगो जन का सिस्टम है। हिमाचल वगैरह में सस्ता है, पंजाब में भी, पर कोई ना यार 2-4 रुपए का फर्क रहता है यार। अपना हरियाणा का पैसा हरियाणा में रहना चाहिए, हरियाणा में रहना चाहिए। 1-2 रुपए के ऊपर क्या देखना यार। इसकी टंकी है सिर्फ छोटी है, इतनी बड़ी गाड़ी है पर 50-55 लीटर का टैंक है इसका मात्र। अपनी इंडेवर में कितना आ जाता है बताइए? 75 तो कुछ भी, कहीं ना कहीं 80 कहते हो, 75-80 तो कहीं ना कहीं 50-55 आवे मात्र। ये अभी हमने नई लिए भाई, ब्रांड न्यू, देखो टेम्परेरी नंबर है, 2-4 दिन हुए गाड़ी लिए। गाड़ी मस्त है भाई ऑटोमेटिक में, मजा आ रहा है फुल ड्राइव करने में। देखते हैं कहां तक लगा पाते हैं। मेरे को वैसे HP और भारत पे भरोसा होता है, वो ये ना भ्रम बना दिया पापा ने हमको कि इंडियन ऑयल पे बढ़िया नहीं मिलता मंदे टाइम में, पर अब मैं थोड़ा समझ गया हूँ कि हर जगह आज की जनरेशन में 2023 में कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। गारंटी टीवी में लाइव आएगा क्या? टीवी पे लाइव आएगा बिल्कुल। टीवी पे आएगा भाई बिल्कुल। भाई का नाम बता दो। ओह माय गॉड, अब हमको हरियाणा को अलविदा कहना पड़ेगा क्या? अरे यार मैं कहना नहीं चाहता, चलो अलविदा कर देता हूँ इसको। अब भाई टाइम देखो आप, 12:30 हो गया। अब हमने सोचा कि भाई शिमला चलते हैं, और तो कोई बेटर लोकेशन है नहीं, बर्फ चाहिए हमको। तो ये शिमला का बोर्ड यहाँ पे लग रहा है, मैप भी हमको यहाँ पे बता रहा है, मैप लगा लिया हमने शिमला का, शिमला ही चलते हैं फिर, और तो क्या करें यार भाई। भाई बर्फ तो शिमला में भी नहीं है क्या? भाई बर्फ तो शिमला में भी नहीं मिलेगी, जहाँ आगे देखेंगे। बर्फ चाहिए, व्हाइट व्हाइट चाहिए मेरे को दोनों साइड। जैसी तेरी शकल है ना, चल तेरी शकल भी छोड़ पी लिए वो तो। जैसी ये ना जैसी लाइट है, ऐसी बर्फ चाहिए सफेद पक्का। प्रॉमिस यार, कैसी बात कर रहा है तू। हमारे भाटी भाई तो सो गए भाई। अब हम एंटर करने जा रहे हैं रात के 2 बजे हिमाचल प्रदेश। ये दिख रहा है आपको झोपड़ी सी, हिमाचल वाले भाई तो पहचान रहे होंगे। देखो यहाँ है, लग रहा है ग्रीन बोर्ड पर भैया, इसकी लाइट इतनी है। तो भाई अब बज गए 4:16, भाई तो अपने सो रहे हैं दोनों पीछे। अब पहुंच गए हम शिमला। क्या है शिमला में देखो कुछ, अरे बर्फ के नाम पर भी ना है यार। भाई बर्फ दिखाओ आगे चले फिर नारकंड रामपुर साइड। चलो बर्फ देखनी है, रामपुर लगाओ फिर। हाँ रामपुर लगाओ। अभी तो 4 बजे हैं यार, अभी सुबह भी ना हुई भाई। अब बज गए हैं सुबह के 7:23 और अब सुबह हो गई है भाई। ये देखो आप, आपको आवाज बदलती दिख गई होगी क्योंकि भैया नारकंडा पहुंच गए हैं और इतनी ज्यादा ठंड है कि क्या बताएं। एन को लेके आ तो गए हैं पर भाई यहाँ पे आपको पता है पहाड़ों में जरा लिटिल लिटिल देर बाद सनराइज होता है यार। ओ भाई ये देखो आप क्या नजारे हैं, बहुत ठंड में तो भीतर जा रहा हूँ। ये देखो गाड़ी क्या लग रही है अपनी, वाइट कलर में यार, टेम्परेरी नंबर, कोई ना दूर दूर तक आ गई अल्टो, कहते ही क्लासिक आ रही वक्त पीछे पीछे अल्टो। अरे सॉरी पंच को मैंने अल्टो जज कर दिया। ओहो हो आई एम रियली सॉरी।
बाय ब्रो, फिर मिलेंगे जिंदगी में, मालिक ने चाहा था। ये देखो भाई, चलते चलते 10 बजे हम पहुंच गए हैं रामपुर। ये देखो परिवहन दिख रही है आपको हिमाचल की। अब सोने का मन कर रहा है। अरे सही कह रहा हूँ? हाँ भाई, अब सोएंगे भाई। कोई रामपुर में कोई रूम वूम देख रहे हैं यार? 250 रूमों के 2500 रुपये मांगते हैं एक रूम के, हम चार जने इनको 5000 रुपये देंगे क्या? दिख रहा है ना आपको यार रामपुर में? पता नहीं मार्केट भाई कब से बन गई, रोड के ऊपर दुकान लगा रखी है दोनों साइड। कब जो कर रहा है जी, पूरा पूरा रोड पे, और हमें मिल ना रहा है होटल कतई भी। यार इधर रहो यार, पता ना कहाँ गए हो। यहाँ देख पेट्रोल पंप कितने से एक एक मशीन लगा के बैठे हैं पेट्रोल पंप खोल के। यहाँ पेट्रोल भी जम जाता होगा इतनी ठंड ना है। हर एक फैमिली ने दो दुकान। भाई जी क्या कर रहे हो? चॉकलेट कुछ मीठा हो जाए। भाई मैं तो देखो बर्गर खा रहा हूँ, कल रात को बर्गर लिया था वैसे ही रखा था, मैं कहा अब खा लेते हैं, कोई बात नहीं, फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो नींद आ रही है यार, 10 बज गए, क्या करें होटल में, नींद तो सबको आ रही है चारों को, होटल नहीं मिल रहा। भाई अब गाड़ी लगा दी है, होटल ले लिया अपने सुबह आप लोगों के लिए, मतलब आप तो लेट ही देख रहे हो भाई, लोगों के लिए सुबह हो गई, मतलब देख लग गया हमारे लिए सेम डे चल रहा है हमारे लिए। जब सो जाएंगे कितने रुपये मिलो भाई? 2000 रुपया। 2000 रुपये चार जनों को? हाँ ये भी है 1000 में चार जनों का दे रहा था, पर ये बहुत वैसे है लोकल टाइप। ये कह रहे थे कि 12 बजे तक वेट करो उसके बाद बात करना। ये भी है ना यार, देखो 10:30 बज रहे हैं अभी तो, कोई प्रॉपर 11 बजे होता चेक इन टाइम तो यार, जहाँ तक है मेरे को लगता 12 होता चेक इन और चेक आउट 11। इस होटल में हम पहले भी रुके थे आपको ध्यान हो तो, जब बोली सर के साथ में थाल लेके आया था फर्स्ट टाइम। ये देखो भाई हमारा रूम दिखाता हूँ मैं आपको, ये यार ये तो नहीं है, वैसे दिखा देता हूँ कोई है इसमें, सारे खोल रखे इन्होंने तो, कोई कहीं सो जाओ हद है। वैसे अपना ये है ये वाला, अरे इन्ना सब रही खोल रखे यार हद है यार, क्यों हमने इतना बड़ा लिया इसमें सो जाते। देखो कितना अच्छा व्यू है यार, ये देखो इसकी स्टोरी डाल देता हूँ, बाबा जी कर देता हूँ इसी की चप्पल भी है वाह। पर हमारा एक्चुअल में पता क्या है ये वाला ये। और गाइस हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामपुर। अरे सबरे खुले पड़े काय में सो जाओ, मतलब ये वो है दो बेड है सारे कमरे खुले पड़े किसी में। हाँ हाँ ये देख ये वाला रूम कितने प्रीमियम है भाई, वो भी सफाई इनकी वही है इसलिए खुले हैं, आंटी अभी सफाई कर रही थी। अच्छा 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 ओके मोह लगी कि कभी। चलो अब सोते हैं भाइयों, वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद। फुल नाइट ड्राइव करके पहुंच गए रामपुर, सीधा एंट्री से रामपुर, पहले हम शिमला रुकते थे फिर रामपुर आते थे, और अब हमने इस बार सीधा रामपुर लगा दिया। चलो कोई नहीं भाई, ये भी अलग ही एक्सपीरियंस है। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।